अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेरा नाम है आमिर अब्बासी, मैं हूं एचआर प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आस्क अल्फा। गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम एक और नए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, और वो टॉपिक नॉर्मली इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं हम रखते, और वो टॉपिक है जी एलिवेटर एटिकेट्स। जी बिल्कुल, लिफ्ट अगर हम जब इस्तेमाल करते हैं वाइल गोइंग टू ऑफिस या आगे पीछे मुख्तलिफ बैंक में विजिट करते हुए, लिफ्ट का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन आपको पता है कि लिफ्ट इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एटिकेट्स का ख्याल रखना चाहिए। और आज के दिन में हम आपसे वही कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, वो चीज़ें, वो तरीक़ेकार जिसको इस्तेमाल करके आप लिफ्ट मैनर्स को बेहतर कर सकते हैं, वो आपसे हम वन में शेयर करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। पॉइंट नंबर वन, यूजिंग ऑफ लिफ्ट फॉर गोइंग वन फ्लोर अप और डाउन। अच्छा जी, अगर आप लिफ्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप एक फ्लोर अप या नीचे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी तरजीह होनी चाहिए कि आप लिफ्ट की जगह पे स्टेयर्स के थ्रू जाएं। क्यों? बिला वजह लिफ्ट रोकने से अच्छा है कि जितनी देर में लिफ्ट आए खुले, आप उतनी देर में खुद नीचे भी चले जाएंगे। और लिफ्ट कोशिश करें दो या तीन फ्लोर जब ऊपर या नीचे जाना हो तो ही इस्तेमाल करें। अंटिलनेस आप हैंडीकैप हो या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत हैवी हो, वो आप उसको स्टेयर से ले जाने में ख़तरा हो या मुश्किल हो, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिसेज और मॉल्स के अंदर नॉर्मली कार्गो लिफ्ट्स होती हैं सामान ले जाने के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं भी हो तो आप इसको इस्तेमाल उसी वक्त करें एक फ्लोर आप या डाउन जाने के लिए जब आपके पास या तो सामान हो जो स्टेयर से ले जाना मुश्किल हो, या आप हैंडीकैप हो और आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ नहीं सकते, राइट? सबसे पहले फ्लोर पर ऊपर या एक फ्लोर नीचे जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें। पॉइंट नंबर टू, इफ़ यू आर अराइविंग एज अ डोर इज क्लोजिंग डू नॉट प्रेस बटन। होता क्या जी, आप आ रहे होते हैं, आप देखते हैं दूर से लिफ्ट का डोर खुला हुआ और आप उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी भागते हैं, करीब पाँच पाँच एकदम बंद होने लगते हैं, तो आप बाहर जाकर फौरन उसको दोबारा प्रेस कर देते हैं, और डोर बंद होते 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 अचानक दोबारा खुलता है और आप उसमें ऑन बोर्ड हो जाते हैं। इट्स अ वेरी बैड मैनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको लगता है वहाँ पे नहीं पहुँचे और आपके पहुँचते पहुँचते जो है डोर बंद हो जाएगा, कभी भी आप दोबारा आप लिफ्ट को बाहर से मत बंद कर, बाहर से मत दोबारा बटन दबाएं कि लिफ्ट बंद होते होते दोबारा खुल जाए। जो लिफ्ट के अंदर लोग होते हैं ये उनका डिस्क्रिप्शन होता है, अगर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगे तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो आपके लिए खोल दें या उसको बंद होने लगे। क्योंकि जो लोग लिफ्ट में ऑनबोर्ड हुए होते हैं वो काफ़ी देर से उनमें से लोग वेट कर रहे होते हैं, जिनको कुछ मंजिलों पर और नीचे जाना होता है वो ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, या उनको अपनी जगह पहुँचते हुए जो है मज़ीद वेट या कंजेशन का शिकार हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट भर रही है और वो वेट कर रहे हैं, एक बंदा दूर से भागता है और एक बंदा जो है वो जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगती है फ़ौरन आके बाहर से दबा देता है और फिर बगैर कुछ बोले ऑनबोर्ड भी हो जाता है। फिर से बैड मैनर, हमेशा कोशिश करें या तो आप पहले से मौजूद हों जब लिफ्ट आए तो आप उसमें ऑनबोर्ड हों अगर जगह है, और अगर आप लेट भी पहुंच रहे हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है तो उसको प्रेस मत करें, बल्कि लिफ्ट जाने दें और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब लिफ्ट दोबारा आए उनके उस लिफ्ट के गुजरने के बाद आप प्रेस कर लें और लिफ्ट अपने टाइम पर दोबारा आपके फ्लोर पर आ जाएगी। तो कभी भी बंद होती लिफ्ट को दोबारा बाहर से प्रेस करके ओपन मत करें, या तो अंदर से किसी को प्रेस करके ओपन करने दें, और अगर कोई ओपन कर देता है तो शुक्रिया कह के ऑनबोर्ड कीजिए। चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ। If there are people between you and call button, it's okay to request. देखिए जी, लिफ्ट के अंदर आप जाते हैं, जब आप लिफ्ट में इन हुए तो उसका कोई भी नहीं था, फिर आपने 13वें फ्लोर पर जाना है, पहले फ्लोर पर दो अफराद, तीसरे फ्लोर पर चार अफराद, इस तरह करके फ्लोर फ्लोर पर लोग बढ़ते गए और आप बिल्कुल पीछे हो गए, बटन कॉल बटन जो है बिल्कुल आगे की तरफ जो है लगा हुआ। अब आपको याद आया कि यार मैं तो इधर खड़ा हूँ, मैं जब इंटर हुआ था तो मैंने 13 फ्लोर तो दबाया नहीं था। अब आप चार बंदों के बीच में से निकल रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जाके आप उस बटन को दबाने को यूज़ कर रहे हैं, कोई बेचारा इधर सुखाड़ रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि लिफ्ट तो पैक हो गई है और आपको फ्लोर पर जाना है और आपने अपना फ्लोर प्रेस ही नहीं किया था। बजाय इस तरह की सिचुएशन में जाने के द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप और फ्लोर जो कॉल बटन हैं लिफ्ट के उसके दरमियान लोग मौजूद हैं, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर दें जो सबसे करीब। लाजमी नहीं है कि लिफ्ट बॉय ही ये काम करेगा, आप किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार काइंडली आप 13 प्रेस कर देंगे, इस तरह करके रिक्वेस्ट कीजिए। आप खुद चार बंदों के बीच में सोचते हुए प्रेस ना करें, राइट? तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको फ्लोर प्रेस नहीं किया और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो रिक्वेस्ट करके अपने फ्लोर का बटन प्रेस करवाइए, ठीक है? चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज अवॉइड टॉकिंग एंड सिंगिंग एलिवेटर।
बहुत ही अजीब लग रहा होता है जी, आप फोन पर बात करते करते एलिवेटर में घुस जाते हैं, 6 अफराद मौजूद हैं और आप लगे हाँ हाँ उसको ये भेज दो, उसको वो ले आ दो, हाँ इतने खरीद दो यार, यार बकरी को खाना खिला दिया नहीं खिलाया, यार बकरी करीब आ रही है, यानी कि आप इररिलेवेंट बात किए जा रहे हैं और लिफ्ट के अंदर लोग खामोशी से आपकी बातें सुनने जा रहे हैं, तकरीरें सुनने जा रहे हैं। बहुत बुरी बात। अगर आप जनाबे वाले किसी लिफ्ट में जा रहे हैं और आप कॉल करें तो अगले को होल्ड करें, यार मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ एक मिनट होल्ड करो, यार कॉल यू बैक, तो मुझसे एक काम कीजिए उसके बाद देखता हूँ कॉल कीजिए। आपका मूड बड़ा अच्छा है और आप बड़े खुश हैं तो आप गुनगुनाते हुए जनाबे वाले लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और सारे लोग खामोशी से खड़े आपको सुन रहे हैं, जनाब क्या सुर पाया जनाब ने लिफ्ट के अंदर, इररिलेवेंट बातें। अगर आप अकेले हैं तो दैट इज डिफरेंट, उनसे बात करें, लेकिन अगर लोग मौजूद हैं तो फ़ोन गाना वाना इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि लिफ्ट में जब आप लोगों के साथ अकम्पनीड हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं अप एंड डाउन कहीं पर भी, तो अपने फ़ोन वगैरह के ऊपर बात ना करें और ना ही गुनगुनाएं। बहुत अच्छा है कि बाहर पार निकलेंगे उसके बाद गुनगुनाते रहिएगा और कम से नहीं, और बाहर निकल के बात भी हो सकती है। लिफ्ट के दौरान ये बहुत इरिटेट करता है और आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी लोगों पर अच्छा नहीं पड़ता। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज कीप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। देखिए जब आप लिफ्ट के अंदर ऑन बोर्ड होते हैं तो मुख्तलिफ लोग उसमें ऑलरेडी अगर ऑन बोर्ड हुए हैं और आपको लगता है कि जी जगह है, तो लाजमी नहीं कि आप लोगों के साथ बिल्कुल चुपक के खड़े हों, बल्कि प्रॉपर जगह देके खड़े हों। कोशिश करें लोगों की पर्सनल स्पेस उसको बीच ना करें और अपने आप को भी एक सर्टन स्पेस देके ही खड़े हों। मुख्तलिफ लिफ्ट के कोने हैं उनको पहले ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, उसके बाद अगर कोई ऑलरेडी कोनों में है तो लिफ्ट कोनों के दरमियान वाली जगहों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, और अगर वो भी ऑक्यूपाइड है तो कोशिश करें लिफ्ट के बीच में ऑक्यूपाई होने के लिए। पर्सनल स्पेस का बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, कोशिश करें जब लिफ्ट में हों कम लोग हों तो ज़रा डिस्टेंस देके खड़े हों, और अगर ज़्यादा भी हों तो एक सर्टन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस आप लोगों का कायम रहे, राइट। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑलवेज अलाउ लेडीज एंड ओल्ड पीपल टू बोथ डोर्स। देखें लिफ्ट के लिए जाहिर सी बात है जल्दी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप बहुत ऊंची मंजिल पे हैं और आपको नीचे उतरना तो जाहिर सी बात है 13वीं मंजिल से स्टेयर से उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इंतज़ार करते हैं लिफ्ट वगैरह का। लेकिन इंतज़ार करते हुए इस बात को भी ख्याल रखिए कि अगर कोई बच्चा, कोई ज़ईफ या कोई खातून लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हैं आपके साथ, तो पहले उनको मौका दीजिए कि वो लिफ्ट में बोर्ड कर हो सकें। अगर लिफ्ट में जगह है तो आप भी साथ ऑन बोर्ड हो जाइए। जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पे आप पहले लेडीज़ फर्स्ट और ओल्ड लोगों का ख्याल रखते हैं और उनको पहले सीट पर बैठने की जगह या ऑन बोर्ड होने की जगह देते हैं, बिल्कुल इसी तरह लिफ्ट में भी उम्र रसीदा लोग और ख़वातीन का खास ख्याल रखिए। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज व्हेन स्टैंडिंग बिटवीन समवन ट्राइंग टू एग्जिट द लिफ्ट। देखें होता क्या है जी, हम नॉर्मली खड़े होते हैं लिफ्ट के डोर के ऊपर, और लिफ्ट के डोर पर खड़े होने के बाद लिफ्ट की ऑलरेडी भरी भी होती है, जो थोड़ी सी जगह मिली होती है वो बिल्कुल लिफ्ट के सामने होती है, तो आप भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ऑन बोर्ड होने के बाद आपकी जो मंजिल है वो सबसे आखिर में आनी होती है, जबकि उससे पहले 4 मंजिलों पर पीछे से लोगों ने बाहर निकलना होता है। तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो लिफ्ट से बाहर निकलने से गुरेज होते हैं, अगर कोई बंदा उससे पहले उतरना और उससे पीछे से आना है तो या तो लेफ्ट वाले पे गिरेंगे या राइट वाले पे गिरेंगे, या थोड़ा सा उनको अंदर धक्का देंगे या जगह दे दो पीछे वाले ने निकलना, और बड़ा फंस फंसा के पीछे वाला भी निकलेगा और आप भी एक दूसरे की जो है पर्सनल स्पेस को ब्रीच कर देते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल आखिरी बंदे और बिल्कुल लिफ्ट के गेट के सामने मौजूद हैं और पीछे वाले ने बाहर निकलना, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप लिफ्ट से बाहर चले जाएँ थोड़ी देर के लिए, वो शख्स आराम से बाहर निकला फिर ऑन बोर्ड कर लें। ये थोड़ा सा होता है बजाय इसके कि राइट वाले पे गिरें या लेफ्ट वाले गिरें, बड़ा आसान है कि आप लिफ्ट में थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, एक या दो फ्रेंड बाहर निकल जाएं, जगह बन जाए, पीछे वाला बाहर निकला है तो वापस आप लोग ऑन बोर्ड हो जाएं। अगर ऐसा हो, अगर कोई बंदा इस तरह जगह दे रहा हो और आप लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं साइड पे, तो आप उसके लिए गेट को होल्ड करके रखिए ताकि अगला बंदा जो बाहर निकला है सिर्फ जगह देने के लिए वो वापस भी ऑन बोर्ड हो सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लिफ्ट इस्तेमाल करते हुए आपके मैनर्स या टिकट्स के बारे में बताते हैं। और गाइस ये थी आज की वीडियो, हमें उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे अपने सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।